वाकई जिंदा है शेष नागिन प्रथा की बेटी, जिस बच्चे की मौत के लिए प्रथा ने सभी से बदले ली, अपने पति तक को मारने की कोशिश की, क्या वो सब प्रथा से अनजाने में हुआ? नागिन 6 के सेट से सामने आया नया BTS वीडियो तो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि प्रथा का बच्चा असल में मरा नहीं बल्कि जिंदा है। जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रथा की गोद में एक छोटी बच्ची है जिसे प्रथा दुलार कर रही है और अपनी ममता खूब बरसा रही है, और ये वो ही बच्ची है जिसे कुछ एपिसोड पहले महक के साथ गुजरॉल हाउस में देखा गया था। ऐसे में क्या महक ने छिपा कर रखा प्रथा से उसके बच्चे के होने का राज? आपको बता दें कि नागिन 6 को फॉलो करने वाले फैंस में भी इस बात की काफी कयासबाजी तेज थी कि प्रथा की बच्ची मरी ही नहीं है और महक उर्वशी ने उसे छिपा कर रखा है ताकि प्रथा पूरी तरह से बिखर जाए, टूट जाए और अकेला महसूस करे। ये कयासबाजी तब और ज्यादा तेज हो गई जब ये खबरें भी सामने आई कि नागिन 6 का अंत प्रथा की बच्ची के साथ होगा और नागिन 7 में प्रथा की बच्ची ही नजर आएगी। वही अब ये नया BTS वीडियो लोगों को काफी सरप्राइज कर रहा है और खुश भी। हालांकि ये भी हो सकता है कि ये महज एक ड्रीम सीक्वेंस हो जिसमें प्रथा महज सपना देख रही हो अपनी बच्ची के साथ। बनाने वाले एपिसोड में सामने आए इस वीडियो का राज भी जाहिर तौर पर खुलेगा और पता चलेगा कि क्या वाकई प्रथा की बच्ची जिंदा भी है या फिर नहीं। वैसे बात की जाए शो की, तो शो में तक्षक नाग के आने से नया ही मोड़ आ चुका है, नए ही ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं। प्रथा को लग रहा है कि ऋषभ मर चुका है, जिसकी जान को वापस लाने के लिए वो काफी मशक्कत कर रही है, और अब शो में शेष नाग का स्वयंवर जीतने की वो जद्दोजहद में भी लगी है ताकि वो अपने पति को पा सके और नाग लोक को बचा सके। वही महक ये स्वयंवर इसलिए जीतना चाहती है ताकि वो शेष नागिन बन सके। ऐसे में साफ है कि इस वीकेंड एपिसोड में काफी दमदार और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं, लेकिन इस बच्ची वाली वीडियो के तार कैसे कहानी से जुड़े होंगे इस बात पर निगाहें सभी की रहने वाली हैं।